ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 मई 2023 को अपरा एकादशी का व्रत रखा गया है और जो भक्त अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्होंने आज व्रत रखा होगा, तो व्रत का पारण करना सही समय पर और सही विधि से अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी व्रत जो हम करते हैं अगर हम उसका शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं, ठीक तरह से पारण नहीं करते हैं, सही चीज़ें खाकर पारण नहीं करते हैं, तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में दान का भी महत्व बताया गया है कि अगर हम सही समय पर दान ना करें तो भी हमारे दान की गई वस्तु का हमें फल प्राप्त नहीं होता, और दान करते समय भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार दान करना चाहिए, आज की वीडियो में ये सभी जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर व्रत खोलें, दान कब और किस प्रकार से करें, शुभ मुहूर्त क्या होगा पारण करने का, और मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं तो आपको पारण कब करना चाहिए। और इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि क्या पारण करने के बाद दोबारा हम भोजन कर सकते हैं, और दोबारा भोजन करें तो क्या हम लहसुन प्याज खाकर भोजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो द्वादशी तिथि के लिए मतलब एकादशी व्रत के पारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को अपार पुण्य और अपार धन देने वाली एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, परनिंदा जैसे महान पापों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या गौ हत्या जैसे महान पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से। और इसके अलावा झूठा ज्योतिष बनना, झूठा वैद्य बनना, झूठे शास्त्रों का निर्माण करना, इस प्रकार के जो पाप होते हैं ये महान पापों में आते हैं, और इन महान पापों से मुक्ति मिल जाती है अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके व्रत धारण करने से। इसलिए शास्त्रों में अपरा एकादशी को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के सामने भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। मतलब एकादशी की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की रात्रि में जितना हो सके भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का आपको स्मरण करना चाहिए। अभी जैसे कि जो भक्त व्रत नहीं कर पाए हैं रात्रि में, मतलब अभी शाम के समय भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए, और हाँ स्नान जरूर कर लीजिए, शुद्ध होकर ही पूजा की जाती है। स्नान कर लें या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, मतलब बदल लीजिए कपड़े अपने, और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर किसी बंधन में हैं, जैसे कि मुकदमे से परेशान हैं, झूठे केस में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आपको आज की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। पूरे दीन भाव से, मतलब समर्पित भाव से, करुण भाव से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं, जब हम आर्त भाव से जब हम भगवान श्री विष्णु को समर्पित हो जाते हैं और फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हो सके भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। और अब जानते हैं अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। अपरा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 15 मई को सुबह 2:46 पर और समाप्त हो रही है 16 मई को सुबह 1:03 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय होगा 16 मई को सुबह 1:03 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मई की रात्रि में 11:36 पर। तो पारण हमें कब करना चाहिए? हरिवासर की समाप्ति के बाद और सूर्योदय काल होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। 16 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:40 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 16 मई को सुबह 6:41 पर। तो पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। तो 16 मई को 6:41 से सुबह 8:13 तक सबसे शुभ मुहूर्त है व्रत खोलने का, एकादशी व्रत के पारण करने का। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम इस शुभ मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं खोल पाते हैं, तो फिर हमें व्रत कब खोलना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण हमें कर लेना चाहिए, व्रत खोल लेना चाहिए। तो द्वादशी तिथि इस बार 16 मई की रात्रि में 11:36 पर समाप्त हो रही है, मतलब
16 मई को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी, लेकिन क्योंकि दोपहर में व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए सुबह 10:30 बजे तक 11 बजे तक आप पारण कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप इस समय भी नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर के बाद यानी कि 2 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक पारण कर सकते हैं। और हाँ, सूर्यास्त होने के बाद पारण नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं खोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस बार ऐसा हुआ है कि द्वादशी तिथि हमें बहुत समय तक प्राप्त हो रही है, मतलब पूरे दिन की प्राप्त हो रही है 16 मई को, तो ऐसे में आप पारण में थोड़ा समय ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करें कि पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पारण करने का शुभ मुहूर्त जो होता है इसी समय में व्रत खोला जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। इसके बाद जिस प्रकार से श्रीहरि विष्णु की पूजा एकादशी के दिन की जाती है, उसी प्रकार से पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से भगवान श्री विष्णु का पूजन कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से व्रत का संकल्प लिया जाता है, हाथ में जल लेकर आपने व्रत का संकल्प लिया था, उसी प्रकार से हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्रीहरि विष्णु, आपकी कृपा से एकादशी का व्रत मेरा संपूर्ण हुआ है, व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, आप हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें, हमारे व्रत का संपूर्ण और शुभ फल हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और आपके हाथ में जो जल है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जब आप अपना व्रत समर्पित कर देते हैं तब आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद दान किया जाता है, तो दान की सामग्री आप पहले से निकाल कर रख दीजिए, जैसे कि जो भी आप दान करना चाहते हैं, भोजन की सामग्री दान करना चाहते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को अगर घर बुलाकर भोजन कराना चाहते हैं तब तो दान की आवश्यकता नहीं है, बस भोजन कराने के बाद आप दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करा पाते हैं, दान दे रहे हैं, तो दान की सामग्री निकाल दीजिए, भोजन की जो भी सामग्री, आटा, दाल, सब्जियाँ, चावल, फल, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल कर और जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहीं पर रखिए। और अपने हाथ में जल लेकर 3 बार जल का घेरा उस सामग्री के चारों तरफ डाल दीजिए, जैसे गोल घेरा दिया जाता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से गोल घेरा जल का दीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए और जल का घेरा दीजिए। फिर अपने दोनों हाथों से दान की सामग्री को स्पर्श करके और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से मेरा एकादशी का, अपरा एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जो भी मैं दान कर रही हूँ, इस दान को स्वीकार कीजिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत धारण किया, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दान कर रही हूँ। हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इसके बाद आपका व्रत और आपका दान ये संपूर्ण हो गया। अब आपको पारण करना होता है, तो पारण के लिए बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल, टमाटर, शाक और गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें आपके पारण में नहीं होनी चाहिए। पारण का भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या खाना चाहिए, तो देखिए, खाने में आप कोई भी वस्तु खा सकते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाकर भी कई स्थानों पर व्रत खोला जाता है। अगर आपके यहाँ चावल खाकर व्रत खोला जाता है तो बिल्कुल आप चावल खा सकते हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ रोटी खाकर ही ये व्रत खोला जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे इस्कॉन वाले जो व्रत करते हैं वो चावल खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं और बाकी कई स्थानों पर सिर्फ रोटी खाकर ही व्रत खोला जाता है। तो नियम का पालन अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब अपने समुदाय को, जिस समुदाय को आप फॉलो करते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। तो रोटी, पूड़ियाँ, पराठे, आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए जो भी आप बनाते हैं कोशिश करें कि शुद्ध घी में बनाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो पारण का भोजन होता है वो शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि आप शुद्ध घी में भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में ऑलिव ऑयल, जैसे कि मूंगफली का तेल या फिर आप सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं और इसमें भी आप भोजन बना सकते हैं। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। जब भगवान श्री विष्णु भोग लगा लेते हैं तो प्रसाद स्वरूप आप भी पारण कर सकते हैं। और हाँ, पारण करने से पहले कुछ जीवों को भोजन जरूर कराना चाहिए, जैसे कि जो भोजन आपने बनाया है अपने लिए उसमें से गाय को दे सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं। और हाँ, जैसे कि गाय नहीं मिलती है तो आप निकाल कर गाय के निमित्त रख दीजिए। चींटियों को तो आप कहीं पर भी कच्ची जमीन में डाल देंगे तो चींटियाँ उस भोजन को तुरंत ही ले लेती हैं। इसके अलावा जल का पात्र एक भरकर अपनी छत पर रख दीजिए, थोड़ा सा अन्न उसमें भरकर रख दीजिए, जिससे कि जो भी पक्षी आते हैं वो उसे ग्रहण कर सके। तो कुछ जीवों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं।
और जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करके, धूप दीप अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना भोजन लेकर बैठते हैं भोजन करने के लिए, तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का पंचामृत ले लीजिए अपने दाहिने हाथ में तुलसी के पत्ते के साथ, या फिर अभिषेक किया हुआ जो जल होता है चरणामृत, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी ना हो तो गंगा जल ले सकते हैं, उसी जल को और तुलसी पत्ते के साथ लेकर आप ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के एकादशी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए तुलसी का पत्ता सबसे पहले खाना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और हाँ, दान की सामग्री आप अपने भोजन करने के बाद भी भिजवा सकते हैं किसी मंदिर में, किसी पुजारी को, या किसी धर्म स्थान में, और चाहे तो पहले भी भिजवा सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन दोबारा भोजन कब करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन एकाहार, मतलब एक ही बार भोजन किया जाता है, और एकादशी के दिन निराहार रहा जाता है, मतलब बिल्कुल भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन दो बार अन्न का आहार लिया जा सकता है। नियम यही कहता है कि आप सुबह एक बार पारण कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही बार और भोजन कर सकते हैं। तो दिन में आप फलाहार ले लीजिए, फिर संध्या काल में, मतलब शाम के समय, रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं अन्न का। और रात्रि में भी लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पूरी तरह से, जैसे कि एकादशी का व्रत होता है, उससे भी ज़्यादा महत्व होता है द्वादशी तिथि का। तो द्वादशी तिथि के दिन भी बिल्कुल लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही लिया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।